हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फ़ोनपे ऐप चलाते हैं तो उसमें बार बार टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में हम सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, आपको दिखाता हूं। जब भी मैं फ़ोनपे ऐप ओपन करता हूं, तो यहाँ से बार बार जब बैलेंस चेक करने जाता हूं, तो यहाँ से बार बार टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आज की इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताना है। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं फ़ोनपे ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैं फ़ोनपे पर क्लिक किया। फ़ोनपे पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोनपे हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ से आपको कोने में आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं चेक और बैलेंस पर क्लिक करके अपना जो भी यूपीआई पिन होगा यहाँ से यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ से फेचिंग बैलेंस लिखेगा। फेचिंग बैलेंस लिखने के बाद यहाँ से कुछ देर आपको इंतजार करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इस टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से आपको डन पर सिलेक्ट करके यहाँ से बैक चले जाना है। तो फिर चलिए मैं ऐसे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद फिर यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक आने के बाद फिर आपको क्या करना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है अपनी। यहाँ से फिर अपने मैं प्ले स्टोर में चले जाता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा प्ले स्टोर यहाँ से है। तो प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा फ़ोनपे। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा फ़ोनपे यहाँ से फर्स्ट नंबर पर दे रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से फर्स्ट नंबर पर जो फ़ोनपे है उस पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको फ़ोनपे अपडेट मांग रहा है, तो अब इसको अपडेट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ से अपडेट आपका ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट वाला, तो आपको यहाँ से अपडेट वाले पर क्लिक करना होगा। अपडेट वाले पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इस तरह का लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ से देख सकते हैं हमारा फ़ोनपे यूपीआई पेमेंट रिचार्ज यहाँ से आसान से डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ से आपको कुछ देर आपको इंतजार कर लेना होगा यहाँ से, क्योंकि हमारा नया वर्जन में डाउनलोड होगा, आपका पुराना वर्जन नहीं रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो आपको यहाँ से समय लेगा। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आपको इंस्टॉलिंग लेगा। इंस्टॉलिंग में आपको कुछ देर इंतजार कर लेना होगा। चलिए मैं कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं हमारा फ़ोन पे इंस्टॉलिंग होगा। इंस्टॉलिंग होने के बाद अब आपको फिर यहाँ से आपको ओपन नहीं करना है, आपको बैक चले जाना है। तो चलिए फिर यहाँ से मैं कट करके यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद फिर अब आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के यहाँ से सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए फिर यहाँ से मोबाइल के अपने सेटिंग में चले जाता हूँ। फिर यहाँ से मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे में चले जाना है। फिर यहाँ से देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके मैंने नीचे में आ जाए। नीचे में आने के बाद यहाँ से ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप में ऐप्स का होगा तो यहाँ से ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक होने के बाद यहाँ से फर्स्ट नंबर पर देख सकते दिखाई दे रहा होगा ऐप लिस्ट का ऑप्शन। अब आपको यहाँ से ऐप लिस्ट वाले पर क्लिक करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं हमारा ऐप लिस्ट है, यहाँ से लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ से कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी ऐप होंगे यहाँ से आसानी से शो कर देंगे। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नीचे में चल जाना है, अपने फ़ोनपे को यहाँ से ढूंढ लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैं अपने फ़ोनपे को ढूंढ लिया। फ़ोनपे को ढूंढने के बाद यहाँ से उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक होने के बाद पहला आपको क्या करना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले यहाँ से फोर्स जी टॉप इसको दे देना है। फोर्स जी टॉप देने के बाद यहाँ से आपको नीचे में आपको उसके नीचे स्टोरेज यूजेस वाला देगा। स्टोरेज यूजेस वाला पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं आपको क्लियर डाटा होगा, क्लियर कैश होगा। आपको यहाँ से क्लियर डाटा नहीं करना होगा, सिर्फ आपको क्लियर कैश कर देना होगा। क्लियर कैश करने के बाद यहाँ से नीचे में आपको परमिशन में चले जाना है। परमिशन में आपका जो भी परमिशन बंद होगा उसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे देख सकते हैं हमारा दो परमिशन बंद था, मैं दो परमिशन के यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। फिर यहाँ से अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक चले जाना। बैक आने के बाद फिर से आपको चले जाना मोबाइल के यहाँ से फ़ोनपे में। फ़ोनपे में आने के बाद यहाँ से फ़ोनपे को ओपन करना। फ़ोनपे को ओपन करने के बाद आपका जो भी यहाँ से लॉक होगा यहाँ से लॉक डालेंगे। लॉक डालने के बाद यहाँ से आपको चेक बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपका जो भी बैंक होगा बैंक वाले पर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ से यूपीआई पिन आप डालना चाहते हैं तो आपका यूपीआई पिन डालेंगे। डालने के बाद यहाँ से फेचिंग बैलेंस दिखा रहा है। फेचिंग बैलेंस दिखाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं हमारा बैलेंस सक्सेसफुली आसानी से यहाँ शो कर देगा। हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो आसानी से सॉल्व हो गया, ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।